स्टार्ट करते हम अपनी क्लास को। और इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे चितिस के काव्यखंड का थर्ड चैप्टर सवया और कवित्व, जो कि देव जी के द्वारा लिखी गई रचना है, ठीक है, या देव जी के द्वारा लिखी गई कविता है। और इस कविता में हमने देखा है कि किस तरह से जो इस कविता के जो कवि हैं देव जी हैं, जिनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है, वो किस तरह से यहाँ पर फर्स्ट वाले पैराग्राफ में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं, उनके बाल सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कृष्ण बचपन में कितने सुंदर थे, जब वो पीला वस्त्र पहनते थे, सांवले अंग पे पीला वस्त्र बहुत सुंदर लगता था और उनकी हंसी ऐसी लगती थी जैसे कि चंद की चांदनी बिखरी हुई हो, और जब वो चलते थे तो उनके पैरों के जो घुंघरू बजती थी वो काफ़ी सुंदर लगती थी, मीठी लगती थी सुनने से। तो फर्स्ट वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि देव जी ने यहाँ पर फर्स्ट वाले पैराग्राफ में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। सेकेंड वाले पैराग्राफ में हमने देखा है कि यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, बसंत के बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से बसंत ऋतु जब आती है तो पूरा जो प्रकृति रहता है वो हरियाली से या हरा भरा हो जाता है और चारों तरफ सौंदर्य बिखर जाता है, खुशियां बिखर जाती हैं। और यहाँ पर उन्होंने बसंत का मानवीकरण किया है और ये चीज़ बताया कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब घर में आता है तो पूरा परिवार खुश हो जाता है, चारों तरफ खुशियाँ बिखरी रहती हैं और सब प्रसन्न हो जाते हैं, तो वैसे ही जब प्रकृति में बसंत रूपी बालक का जब आगमन होता है तो पूरी प्रकृति क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है और चारों तरफ खुशहाली बिखर जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में हमने ये चीज़ पाया कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ में उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है और सेकंड वाले पैराग्राफ में उन्होंने बसंत के बाल रूप का वर्णन किया है। अब आते हम थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है, जो कविता है आपको पता ही है कि इसमें ये चार लाइन की कविता है, चार चरण होते हैं इसमें, और ठीक है, और हर चरण में क्या होता है आपका पंद्रह से सोलह मात्राएं होती हैं, ठीक है, आपकी ये जो लाइन्स आप दिख रही हैं ये एक लाइन है, ठीक है, तो आप ऐसे देखेंगे तो ये चार लाइन हो गई, तो चार चरण मतलब कि चार लाइन्स हो गई और हर चरण में आपके सोलह पंद्रह मात्राएँ होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पोयम को। इस पैराग्राफ में जो देव जी हैं वो चांदनी रात का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब शरद काल में, शरद काल मतलब कि ठंडी का मौसम, यानी कि जब ठंडी के मौसम में पूर्णिमा की रात में जब चांद तारों से भरे आकाश, चांद जो तारों से भरा हुआ रहता है, आकाश जो तारों से भरा हुआ रहता है, तो किस तरीके से वो सुंदर लगता है, उसकी आभा का या उसकी सुंदरता का वर्णन वो कर रहा है, ठीक है। चांदनी रात की कांति को दिखाने के लिए जो देव है, यानी कि चांदनी रात की सुंदरता को दिखाने के लिए देव ने तरह तरह के उदाहरणों का, एग्जांपल्स का प्रयोग किया है, ठीक है, जैसे कि उन्होंने दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब का प्रयोग किया है और बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स लिए हैं जो काफ़ी पढ़ने में अच्छे लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट वाला लाइन है फटिक शिलानी, शिलानी मतलब होता है पत्थर, ठीक है, फटिक और फटिक मतलब होता है स्फटिक, स्फटिक क्या होता है, एक प्राकृतिक क्रिस्टल होता है, ठीक है, आप क्रिस्टल देखोगे ना वो पारदर्शी होता है, तो उसी चीज़ को बताया गया फटिक शिलानी। फटिक शिलानी मतलब कि यहाँ पर संगमरमर रूपी पत्थर को बताया गया। सो सुधार्यो सुधा मंदिर, स स की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है, जो कि आपको पता ही है कि इस काव्य की विशेषता है ब्रज भाषा में है और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो फटिक शिलानी यानी कि संगमरमर रूपी पत्थरों से, सुधार्यो सुधार्यो मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना, उसको संवारना या वो बना हुआ है, ठीक है, और सुधा मतलब होता है अमृत। तो यहाँ पर ये जो कवि हैं वो यही चीज़ कह रहे हैं, रात मतलब ये शरद काल में जो पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें उस समय आकाश की क्या शोभा होती है उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है और बता रहे हैं कि इस समय आकाश क्या है, संगमरमर पत्थरों से बने हुए मंदिर के समान लग रहा है, यानी कि फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, यानी अगर हम इस समय आकाश को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि संगमरमर रूपी पत्थर से क्या हो गया, एक मंदिर का निर्माण किया गया है। उदधी दधीधी, उदधी मतलब होता है समुद्र और दधी मतलब होता है दही, ठीक है, उदधी दधी को अधिकाई, अधिकाई मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत अधिकता यानी कि अधिक मात्रा। उमंगे उमंगे मतलब उमगे, उमगे मतलब होता है उमड़ना। अमंद अमंद मतलब जो कभी कम ना हो, ठीक है, तो उदधी दधी
कोसो अधिकाई उमगे अमंद, यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि उसकी जो सुंदरता है वो श्वेत दही के समुद्र के समान उड़ रही है, उमड़ रही है, जो कभी कम नहीं हो रही है। यानी कि जो चांदनी रात है उसमें जो चाँद की चांदनी है वो बिल्कुल सफ़ेद दही की तरह लग रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी जो सुंदरता है वो सफ़ेद दही का समुद्र हो। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा दही नहीं हो बल्कि पूरा समुद्र हो। पर और उस तरीके से जिस तरह से समुद्र में उफान उठता है वैसे ही चाँद की चांदनी जो है वो और गहरी होती जा रही है, चारों तरफ प्रकाश अपना फैला रही है। तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी जो सुंदरता है वो श्वेत दही के समुद्र के समान क्या हो रही है, उमड़ रही है और वो कम नहीं हो रही है। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरसवन, दूध को, ठीक है, यहाँ पर वो यही चीज़ बता रहे हैं कि दूध को सो फेन फैलो, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वह जो सुंदरता है वो दूध से निकले झाग के समान। ठीक है, आप जब कच्चा दूध देखोगे तो उसमें एक झाग का एक लेयर होता है। ठीक है, दूध को सो फेन फैलो, तो यानी कि जो चांदनी रात का जो प्रकाश है उसकी जो सुंदरता का वो वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि वह सुंदरता दूध में से निकले झाग के समान आकाश भी मंदिर के अंदर और बाहर क्या हो गई है, फैल गई है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरसबंद, आंगन जो क्या है बिल्कुल शीशे की तरह बताया गया है, और ये चीज़ बताया गया है कि वह जो सुंदरता है यानी कि चाँद की चांदनी की जो सुंदरता है वो चाँद तारों की जो सुंदरता है वो दूध में से निकले झाग के समान है। ठीक है, और वो पूरे आंगन में क्या हो गई है, फैल गई है, आकाश रूपी मंदिर में क्या हो गई है, वो अंदर बाहर फैल गई है, जिसके कारण से बाहर तिभीत लो भीत ना दिखाई दे। इसीलिए क्या हो रहा है, बाहर से लेकर अंदर तक कोई भी भीति, भीति मतलब होता है दरवाज़ा, ठीक है, दीवार जिसको बुलाते हैं, बाहर तिभीत लो भीत ना दिखाई दे, इसीलिए बाहर से लेकर भीतर तक कोई भी दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा है, आर पार हम देख ले रहे हैं, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक, आकाश के ऊपर से लेकर धरती तक और धरती से लेकर आकाश तक कोई भी अंधेरे की दीवार नहीं दिखाई दे रही है, और हमें एक एक चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जैसे क्रिस्टल से हम मतलब उस पार की चीज़ को आसानी से देख सकते हैं, वैसे ही जो चाँद की जो चांदनी है वो अपनी चांदनी इस तरीके से बिखेरी हुई है और उसमें इतना प्रकाश है कि वो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि दूध का झाग फैला हुआ हो चारों तरफ, और ऐसा लग रहा है जैसे कि दही का समुद्र उमड़ आया हो। तो इसीलिए चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है और हर चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से कोई भी दीवार नहीं आ पा रही है, और ऐसा लग रहा है कि एक छोर से दूसरे छोर तक हम देख सकते हैं। यानी कि हमें एक छोर से दूसरे छोर तक हम तो देख सकते हैं, लेकिन वो प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर तक कहाँ तक फैला है वो हमें नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर वो यही कह रहा है कि बाहर से भीतर भीत ना दिखाई दे, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। पहले हम ये फोर्थ वाली लाइन लेंगे, उसके बाद हम इस लाइन को लेंगे, और यही चीज़ बता रहे हैं कि उसकी जो सुंदरता है श्वेत दही के समुद्र के समान उड़ रही है, उमड़ रही है, जो कम नहीं हो रही है, और वह सुंदरता जो है वो दूध से निकले झाग के समान आकाश भी मंदिर के अंदर और बाहर क्या हो गई है, पूरी तरह से फैल गई है, जिसके कारण से वो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक वो फैला हुआ है। तारा सी तरुणी, ठीक है, तरुणी मतलब होता है यहाँ पर प्रकाश, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, तो की आवृत्ति है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर वो यही चीज़ कह रहे हैं कि तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है, यानी कि आकाश में चारों ओर तारे क्या हुए हैं, छिटके हुए हैं, और वो आपस में क्या कर रहे हैं, झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरन, मामा की आवृत्ति यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर वो यही चीज़ बता रहे हैं कि वे जगमगाते मोती की ज्योति के समान मल्लिका फूल में पराग भर रहे हैं, यानी कि उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मोतियों को क्या हो गई है, उनकी ज्योति मिल गई है, और मल्लिका को मकरन और फूलों को उनकी मतलब उनका सुगंध मिल गया है।
तो यानी कि जब चांदनी रात है और चारों तरफ चांद की चांदनी बिखरी हुई है, तो जो मोतियाँ हैं वो भी क्या हो रही हैं, प्रकाशित या प्रकाशमान हो रही हैं, या वो भी चमक रही हैं। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि चारों तरफ आकाश में तारे क्या हैं, वो झिलमिला रहे हैं और वो जगमगा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मोतियों को उनकी ज्योति मिल गई है और फूलों को उनकी खुशबू मिल गई है। आरसी से अंबर में, यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि आकाश रूपी मंदिर का सौंदर्य क्या है, बिल्कुल शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है। आरसी से अंबर, यानी आरसी से अंबर, आरसी मतलब शीशा, तो यहाँ पर वो आकाश को यही चीज़ बता रहे हैं कि आकाश रूपी मंदिर का जो सौंदर्य है वो शीशे के समान क्या है, बिल्कुल पारदर्शी दिखाई दे रहा है। आभा सी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगा चंद, ये दोनों लाइन आप एक मिलेंगे और इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कवि यही चीज़ कह रहा है कि आकाश रूपी मंदिर का जो सौंदर्य क्या है वो शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है, और उसमें अपनी चांदनी को बिखेरता जो चांद है प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। यानी कि राधिका का सौंदर्य इतना ज़्यादा है कि चांद की जो सुंदरता है वो भी क्या है, सिर्फ उसका एक प्रतिबिंब है। सोचिए जब चांद की सुंदरता उसका एक उसकी एक प्रतिबिंब उसकी एक परछाई है तो राधिका कितनी सुंदर होगी। तो यहाँ पर वो यही चीज़ कह रहे हैं कि आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगी प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगा चंद, यानी कि आकाश रूपी मंदिर का सौंदर्य क्या है, बिल्कुल शीशे के समान पारदर्शी है, और जो चांद जो उसमें अपनी चांदनी बिखेर रहा है वो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो राधिका का क्या है, सिर्फ एक प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी कि शरतकालीन रात में, जो पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश में की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कवि, और ये चीज़ कह रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं या लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, लोग प्रसन्न हो जा रहे हैं उसे देखकर, उसी चीज़ को इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें भी उन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया है, माधुर्य गुण है, और आकाश रूपी मंदिर की दीवार इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि आकाश की सुंदरता दूध में से निकले झाग के समान है। ठीक है, आकाश अपनी चांदनी को बिखेर रहा है और राधा का वो एक प्रतिबिंब लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस काव्य में उन्होंने चांद की चांदनी रात का यहाँ पर वर्णन किया है और उसकी सुंदरता के बारे में इन्होंने इसमें बताया है।